अरे नहीं यार, वो बात सुनने को ही नहीं तैयार है। मैंने कोशिश कर ली उससे बात करने की, लेकिन वो बात ही नहीं सुन रही है मेरी। पता नहीं कौन सी, गॉड नोज या कौन सी गलत फहमी हो गई उसे। मुझ पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करती है उसे, हमेशा मैं गलत लगता हूँ। इश भाई, कुछ कहा क्या आपने उन्हें? मैंने कुछ भी नहीं कहा यार, अगर कहूंगा तब ना जब वो मुझे कहने का कुछ मौका देगी। पर ट्रस्ट मी आयुष, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस बार ना कुछ भी नहीं कहा उससे। नो नो, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू भाई, भरोसा है मुझे आप पे। मैं जस्ट ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ऐसा बिहेव कर क्यों रही है। सच में यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ, भगवान जाने क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। मैं जो भी कर रहा हूँ उससे गलत ही लग रहा हूँ। एक बार बात तो सुन ले, लेकिन नहीं सुनना उसे मेरी बात। उसे मैं गलत ही नजर आता हूँ हर बात में। बट सच कहूँ आयुष, मैंने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि लक्ष्मी ऐसे बिहेव करेगी। भाई कुछ तो जरूर हुआ है यार। अरे कोई बात नहीं हुई आयुष, सच कह रहा हूँ कोई बात नहीं हुई। और मैं गुस्से में भी नहीं था, अगर गुस्से में बात की होती तो समझ में आता, वो मुझे गलत समझ सकती है। लेकिन मैंने बहुत प्यार से बात की उससे इस बार। सच में सिर्फ साफ साफ उसे ये कहना चाह रहा था कि चलो घर चलो, सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं। लेकिन इस बात को उसने कुछ अलग ही समझ लिया। उसे लगा कि मैं उससे पारो को छीना चाह रहा हूँ। अरे मैं क्यों छीना चाहूंगा पारो को? अगर ऐसे ही कुछ करना होता तो मैं मॉम का साथ देता, लक्ष्मी का साथ नहीं देता, उसके साथ नहीं खड़ा होता मैं। समझ ही नहीं रही, कुछ हो गया है लक्ष्मी को यार, कुछ अलग ही लक्ष्मी नजर आ रही है मुझे। जैसे लगता है ऋषि भाई की लक्ष्मी भाई बहुत डरी हुई है, उन्हें डर लग रहा है कहीं वो निकलौती बेटी पारो को खोना दे। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और कोई रास्ता नहीं है शालू, इसलिए मैं संभालूंगी, मैं सब संभालूंगी। एक मिनट, तू ये क्या बोल रही है? क्यों ऐसा बोल रही है कि बहुत बुरा लगेगा, पर तू संभाल लेगी? क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मतलब? कुछ नहीं, चल चलते, चल। पारो बेटा चल, घर चलना है, मुँह हाथ भी धोना है, खाना भी खाना है, अभी चलो। माँ मुझे ये टॉय चाहिए, तेरे डैड ने कहाँ से दिलाया? उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो एक बार अच्छे से मेरी बात सुन लेगी तो उसे डरना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसे मेरी बात ही नहीं सुननी है, वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है यार। पास की वजह से ऋषि भाई, पास में जो उन्हें चोट मिली है, जो उन्हें दर्द मिला ऋषि भाई, उनकी जगह कोई भी होता तो शायद इतना ही डरा हुआ होता। नानी बोलती है ना कि भूत का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, वही हो रहा है उनके साथ। ऋषि भाई लास्ट टाइम उनके साथ बहुत बुरा हुआ था यार। हम लोग जितना मर्जी अपोलोजाइज कर ले, जितना मर्जी सॉरी बोल दे उनको, पर जो दर्द वो सहन कर रही है, जो सहन उन्होंने करा है, वो हमें समझ कभी नहीं आएगा। उस दर्द को सिर्फ उन्होंने जिया है, उन्होंने महसूस किया सालों तक, शायद आज भी कर रही है। वरना आप तो उनके दिल को जानते हो ऋषि भाई, वो तो किसी भी भरोसा कर लेती है। और जो अतीत में इतना बुरा एक्सपीरियंस हम लोगों ने उन्हें दिया है ना ऋषि भाई, शायद आज वो हमारे सच पर भरोसा नहीं कर पा रही है।